बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, मैं जुलेखा, आप देख रहे हैं भारत लाइव। पढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार विधानसभा में सोमवार को महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम का प्रभाव देखने को मिला। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में 2015 के चुनाव में भी सरकार बनाने का जनाधार नहीं था। इसके बावजूद 2017 में बीजेपी को प्रदेश की सत्ता में लाने के लिए राठी में खेल हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में भी तो राठी में खेल हुआ था। तेजस्वी का इशारा सुशील के उस ट्वीट की ओर था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हटाने और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया रात में शुरू होने पर विलाप कर रहे हैं, उन्हें जानना चाहिए कि भारत को आज़ादी भी आधी रात को ही मिली थी। यूनियन जैक रात में उतारा गया था। नवरात्र में शक्ति की साधना और दीपावली में लक्ष्मी पूजा का अनुष्ठान भी रात ही में होता है। संस्कृति और इतिहास से कटे लोग जनता से क्या जुड़ेंगे। बिहार विधानसभा सोमवार की सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले के विधायकों ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में जनवेदना मार्च में भाग लेने वालों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की। तेजस्वी ने कहा, हम विपक्षी दलों का कर्तव्य है कि जनता की समस्याओं को सरकार के सामने लाएं, चाहे सदन के अंदर हो या बाहर। कल कांग्रेस के लोगों ने जनता की समस्याओं को सड़क पर उठाने का काम किया, लेकिन मुझे अफसोस है कि कर्मचारी या विपक्ष किसी भी समस्या को उठाना चाहते हैं तो सरकार लाठी डंडे से उसे दबाने का काम करती है। कल जो हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं। आरजेडी नेता ने कहा, किसी भी धरना प्रदर्शन के समय ज्ञापन देने का अधिकार होता है। कल कांग्रेस के लोगों को राजभवन चलने के लिए कहा गया और उन्हें कोतवाली थाना ले जाया गया। इस तरह का बर्ताव पिछली किसी भी सरकार ने नहीं किया। तेजस्वी सदन ने मौजूद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की ओर इशारा करते हुए कहा, उप मुख्यमंत्री कहते हैं रात के अंधेरे में अच्छे काम होते हैं, ये रात के अंधेरे वाली सरकार है। तेजस्वी के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने उनसे कहा कि नेता प्रतिपक्ष मामले को बिहार से महाराष्ट्र पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के पास भी बीजेपी के साथ गठबंधन करने और सत्ता बरकरार रखने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर हम इस समझौते के लिए सहमत हो जाते तो राष्ट्रीय जनता दल से किसी के उप मुख्यमंत्री होने पर भी सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री ही होते। तेजस्वी को जवाब देते हुए सुशील ने सदन में जवाब ना देकर सोमवार को ट्वीट कर कहा, 1977 की ऐतिहासिकता जनता पार्टी से जनसंघ के अलग होने के बाद केवल बीजेपी ही अपने सिद्धांतों पर अडिग रही, जबकि दूसरे धड़े के लोगों ने अहंकार और सत्ता के लालच में सिद्धांतों की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता पार्टी ने गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत कूड़ेदान में डालकर राबड़ी देवी की सरकार चलाई और घोटाले किए। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ भारत लाइव पर। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 8167 00। धन्यवाद।